नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। 28 जनवरी को अटल नगर में कांग्रेस ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश के उन किसानों तक अपनी बात पहुंचाकर आभार व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में अपना योगदान उन्हें दिया। आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शिरकत की। बीजेपी ने इस पूरे आयोजन पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है। बीजेपी का आरोप है कि किसानों की लिंकिंग का पैसा वापस करने को कांग्रेस कर्ज माफी का नाम देकर अपना ही यशोगान कर रही है। मुझे तो राहुल गांधी जी का वो बयान याद आता है जब चुनावी यहाँ पे जितने भी सभा में उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा। आज प्रदेश की जनता और किसान जानना चाहते हैं क्या प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ हो गया है। 4 से 5 लाख किसानों के लिंकिंग का पैसा वापस आया है, किसी किसान का अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ है और ये तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर कहकर पीठ थपथपाने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं। ये आधी अधूरी सरकार, आधा अधूरा घोषणा पत्र, आधी अधूरी सारी चीज़ें क्रियान्वित हो रही है और सरकार अपना यशोगान करने पे यहाँ पे जुटी हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर जो बात कहे थे चुनाव के समय में, क्या उसकी बात को पुनर्दोहराएंगे? अभी आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड के दिन भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था 16,65,000 किसानों का कर्ज माफ हो गया, जबकि उन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 3 से 4 लाख किसानों के लिंकिंग का पैसा वापस आया है। तो ये इस तरीके की सफ़ेद झूठ बोलने वाली सरकार है। अभी भी किसानों के साथ में किसी प्रकार की कोई 2500 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं हो रही है। यहाँ तक जो पुरानी दर थी उसमें भी किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। तो किसानों के साथ विश्वासघात इन्होंने किया है। अब यहाँ पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसानों को प्रदेश में 2500 रुपये समर्थन मूल्य देकर और कर्जमाफी के साथ कांग्रेस अपने किए वादे पर पूरी तरह से अटल है। इसे देखकर भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होना स्वाभाविक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिन वायदों को करके जनता के बीच वो आज सत्ता पर काबिज हैं या सेवा करने के लिए तत्पर हैं, आप देख रहे हैं लगातार पिछले 1 महीने में ही ऐसे जनहितकारी निर्णय उन्होंने प्रदेश में लिए हैं, चाहे किसान के वर्ग की बात करें, उद्योग के वर्ग की बात करें या आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, तमाम प्रकार से वो निर्णय जनहितकारी निर्णय हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कांग्रेस की सरकार जो ये फैसले ले रही है जिनको उन्होंने वो 15 साल में भी नहीं ले पाए, लगातार जो जिन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों के वादों के साथ वादा खिलाफी की, आज वो किसान हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं। क्या किसानों के कर्ज माफी से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? क्या किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य मिल रहा है तो उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है? हमारी आप आलोचना करें, कहीं कोई समस्या नहीं है, परंतु प्रदेश में के हित में लिए जा रहे निर्णयों पर राजनीति करना मैं नहीं समझता कि उचित है। बहरहाल लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसी भी मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहेंगी, मगर सियासत की बिसात पर किसान किसका चुनाव करता है ये देखने वाली बात होगी। खबरची न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।